नमस्कार आप सभी को। बैंक मैनेजर अगर आपको बनना है तो किस तरह से बन सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल छोटी से लेकर सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो जो भाई पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी बात है, बाकी जिनको इस बार भरना है तो उनको भी काफ़ी सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं, बैंक पीओ के नाम से ये पेपर होता है, इसको कहते हैं IBPS। ये एग्ज़ाम लेता है, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम लेता है RRB, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम होता है वो लेता है MPESB, तो उसी तरह से IBPS फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड। ये बैंक पीओ का भी एग्ज़ाम लेता है और बैंक क्लर्क का भी एग्ज़ाम यही इंस्टीट्यूशन लेता है। क्लियर है, टाटा कंसल्टेंसी इसका एग्ज़ाम कराती है, जो कि देश की सबसे श्रेष्ठतम एग्ज़ाम कराने वाली संस्था होती है। आगे जरा समझते हैं, इसमें अगर हम डेट को अगर हम देखें तो 1 अगस्त से इसके फॉर्म डलना चालू हो चुके हैं, और जो कि 21 तारीख तक फॉर्म गिरेंगे इसके। क्लियर है, तो 21 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूछें कि सर इसमें जो एज रिलैक्सेशन है या एज क्या मांगी जाती है, तो 20 साल से 30 साल तक जनरल वालों के लिए ये एज रहती है। इसमें महिला पुरुष का अलग नहीं होता, जैसे आप अगर मध्य प्रदेश के भरेंगे तो उसमें महिला पुरुष अलग होते हैं, तो इसमें 20 साल से 30 साल तक एज कैलकुलेशन होगा आपका 1 अगस्त 2023 तक। आप 30 साल से ज़्यादा के नहीं और 20 साल से कम के नहीं होना चाहिए। क्लियर है, इसके अलावा अगर एज में और बात करें तो SC ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है, तो ये 20 साल से लेके 35 साल तक के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। OBC वाले 20 साल से लेकर के 33 साल के जो व्यक्ति होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर पोस्ट कितने निकले हैं, तो पिछले साल का अगर हम देखें बैंक IBPS में जब भी बैंक होते हैं तो कुल 11 बैंक एक साथ अपनी भर्ती निकालते हैं एक ही एग्जाम के थ्रू। ठीक है, इसका अलग से नहीं होगा कि SBI अलग एग्जाम ले रहा है, PNB अलग ले रहा है, कैनरा अलग, ये सारे बैंक मिलकर एक एग्जाम लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे देखो SBI चुनेगा सबसे पहले, फिर PNB चुनेगा, तो जिसके जैसे नंबर आते हैं तो उसके बाद वो चुन सकता है किस बैंक में आपको करना है। सामान्यतः अगर आप कहें तो सबसे पहले SBI को चुना जाता है, क्योंकि इसमें सैलरी सबसे ज़्यादा होती है और पावर भी एज कम्पेयर लगभग 5-8 हज़ार का अंतर आ जाता है। क्लियर है, उसके बाद PNB और फिर कैनरा और फिर तमाम तरह के जो बैंक हैं उनको व्यक्ति चुन सकता है। कुल 11 बैंक जो होते हैं वो आपको मैंने स्क्रीन पर लगा दिए। तो अब जरा समझिए, तो इसमें पिछली बार 6400 निकली थी, कई बार बैंक अपनी जानकारी नहीं देती तो बाद में ये 69 हो गई थी, ठीक है 6900 हो गई थी। इसी तरह से इस बार भी आप अगर देखें तो 3049 वैकेंसी आई है, लेकिन अभी भी 11 में से 6 बैंक ने अपनी जानकारी नहीं दी है, तो आप समझ लीजिए 5 बैंकों का हिसाब किताब ये है, तो जो 6 और आ रहे होंगे तो निश्चित रूप से इसमें वैकेंसी लगभग 5000 के आसपास जाने की पूर्ण संभावना मेरे हिसाब से लग रही है। अब इसमें फीस की अगर बात करें तो SC ST और हैंडीकैप को फीस लगती है 175, बाकी सभी को जो फीस रहेगी वो 850 रुपये रहेगी, चाहे आप महिला हो, चाहे आप OBC से हो, चाहे आप जनरल हो, तो आपको फीस रहेगी 850 रुपये। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस, कि सिलेबस क्या पढ़ना पड़ेगा सर। सिलेबस आपका रहेगा 3 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, प्री में, फिर मेंस होगा, उसकी जानकारी मैं आप थोड़ी देर में दूंगा। इसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग होती है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स के रहते हैं। ईच मतलब हर एक विषय को आपको 20-20 मिनट का समय लगता है, मतलब इंग्लिश में आपको 20 मिनट का समय लगेगा, मैथ्स को आपने 20 मिनट का समय लगेगा और रीजनिंग में भी आपको 20 मिनट का समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक घंटे पेपर है, आप कोई भी इंग्लिश को आप जल्दी निपटा लो, रीजनिंग को आप जल्दी निपटा लो और बाकी पूरा समय आप मैथ्स में खपा दो, तो ऐसा इस एग्जाम में नहीं होता है। और ऐसा ही आने वाले समय में लगभग सब एग्जाम में होने वाला है, इस हर एक पोर्शन को आपको बराबर समय दिया जाता है। आ रहा है समझ में, इससे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, MP में अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है। क्लियर है, अब अगर बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहली बात, इसके बाद प्री के बाद क्या होता है, तो मेंस होता है। मेंस का सिलेबस क्या होता है, तो ये मेंस का सिलेबस है, ये पूरा मेंस का सिलेबस। इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, कंप्यूटर है ना, जैसे जनरल अवेयरनेस, इस टाइप के जो टॉपिक हैं वो ऐड हो जाते हैं, प्लस नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि मेंस का एग्ज़ाम किस तरह से होगा। आ गया समझ में, तो इसके बाद आपका होता है प्री मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर प्री की डेट्स की इंपॉर्टेंट बात करें तो प्री का एग्ज़ाम आपका सितंबर में है और मेंस का एग्ज़ाम आपका नवंबर में है, और जनवरी फरवरी के आसपास आपका इंटरव्यू रहेगा अगर आप क्रैक करते जाते हो तो। क्लियर है, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 21 अगस्त 2023 तक, जो आने वाली 21 तारीख है
उस डेट तक आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास आ जाना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में आपका साफ साफ लिखा रहना चाहिए कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 21 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी है। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपका भर्ती प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्लर्क की भी जानकारी होगी तो आपको क्लर्क का भी लगभग इसी तरह से होता है। तो आप यदि बैंक में जाना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे खासतौर से मैथ्स में किस तरह से तैयारी करें, तो मैथ्स में ज़्यादातर एडवांस मैथ नहीं आती, आपको मेंसुरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, ज्योमेट्री नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको कैलकुलेटिव मैथ्स करना पड़ेगा, जैसे बोर्ड मास है, दशमलव है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई, एडिशन। तो एक क्लर्क की तरह ही इसमें कैलकुलेटिव मैथ्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो इस नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं पूरी कोशिश करूंगा या तो उसी कमेंट में नीचे मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, तो बढ़िया तरीके से आप फॉर्म भर लीजिए अगर आप भरना चाहते हैं तो, और फिर भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।